गूगल की जेमिनी 1.5 की लॉन्च की खबर आने के कुछ समय ही बाद ओपन एआई ने भी अपने सोरा प्लेटफॉर्म से पर्दा हटा दिया है। इसके साथ ही जेनरेटिव एआई की टक्कर अब बढ़ने लगी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। क्या है तमाम अपडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेट्स प्ले गॉड। जरा इमेजिन कीजिए, आपकी सोच अगर डिजिटल रियलिटी बन सकती तो आप अपने कंप्यूटर में कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं एंड योर डिवाइस मेक्स इट कम ट्रू। जेनरेटिव एआई एंड उनकी करंट एडवांसमेंट की वजह से इस इमेजिनेशन का एक वर्जन करंटली रियल है। जेनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो फॉर्म है जो नया कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर सकता है। ये कॉन्टेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो या इन सब का मिक्सचर हो सकता है। आप जेनरेटिव एआई को एक डिस्क्रिप्शन देकर उससे ऐसे लिखवा सकते हैं, काफी अनरियलिस्टिक एंड येट फोटो रियलिस्टिक इमेजेस जेनरेट करवा सकते हैं, मूड और बीट डिस्क्राइब करके सॉन्ग्स कंपोज करवा सकते हैं, या फिर डिटेल में अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करके एक वीडियो भी जेनरेट करवा सकते हैं। इन एआई मॉडल्स की ऐसी अनबिलीवेबल कैपेबिलिटीज आती हैं इनको बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा पे ट्रेन करके। चैट जीपीटी का ही अगर एग्जांपल लें, इसके अर्लियर रिलीजेस को 570 गीगाबाइट्स डेटा पे ट्रेन किया गया था। ये डेटा सोर्स किया गया था विकिपीडिया से, पब्लिश्ड बुक्स से, रिसर्च आर्टिकल से एंड दूसरी वेबसाइट्स और ऑनलाइन कॉन्टेंट से। जिनको 570 जीबी सुनने में कम लग रहा है, रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करें तो ये 300 बिलियन से ज्यादा वर्ड्स थे। ये बना 3 एंड उसके बाद 11 जीरोस। ये आई टूल्स इतने सारे डेटा में से पैटर्न्स और संचारणों का पूर्वाभास कर लेते हैं और इसमें से हमारी भेजी क्वेरीज का प्रासंगिक उत्तर जेनरेट होता है। गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक सारी कंपनीज के जेनरेटिव एआई मॉडल्स हैं। गूगल ने इनफैक्ट बहुत रिसेंटली अपने जेमिनाई मॉडल का वर्जन 1.5 रिलीज किया है। जेमिनाई 1.5 एक मल्टी मॉडल टूल है, यानी कि ये काफी तरह का डेटा समझ भी सकता है और जेनरेट भी कर सकता है, टेक्स्ट, फोटोज, यहाँ तक कि वीडियोस भी। इसकी टेस्टिंग में गूगल ने इसे एक 44 मिनट्स की साइलेंट फिल्म दिखाई, यानी बिना म्यूजिक और डायलॉग्स के, और जेमिनाई ने उसे एक्यूरेटली एनालाइज करके फिल्म का सारांश लिख के बता दिया। इसके जवाब में गूगल और जेमिनाई का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपन एआई ने रिलीज किया सोरा। सोरा की मदद से आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करके एक मिनट लंबी वीडियोस जेनरेट कर सकते हैं। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, जो चैट जीपीटी की वजह से काफी खबरों में रहते हैं, उन्होंने एक्स पर अपने अकाउंट से सोरा के बारे में काफी पोस्ट ट्वीट भी किए हैं। OpenAI का कहना है कि इनका मॉडल अलग अलग भाषाएं समझ सकता है, काफी जटिल दृश्यों को जेनरेट कर सकता है, काफी पात्रों को भी जेनरेट कर सकता है इन वीडियोस में, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ना केवल ये हमारे एंटर किए हुए प्रॉम्प्ट्स जेनरेट कर देता है, ये हमारे वास्तविक संसार के भौतिकी के नियमों को भी समझता है, जिस वजह से जब ये एक वीडियो जेनरेट करता है, फोटो रियलिज्म यानी उस फोटो का यथार्थवाद काफी असली लगता है। सोरा फोटोज से भी वीडियोस जेनरेट कर सकता है, पहले से बनी हुई वीडियोस को एक्सटेंड भी कर सकता है। इतने फोटो रियलिज्म के साथ ही सोरा के भी मिसयूज को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और OpenAI ने कहा है कि वो सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर कदम उठा रहे हैं और हो सकता है सोरा को तब तक व्यापक जनता के लिए रिलीज ना किया जाए। सुरक्षा के इस पॉइंट पर एक नोटेबल मेंशन बनता है क्लॉड AI का। क्लॉड कॉन्स्टिट्यूशनल AI नाम के एक अवधारणा पर काम करता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे AI को ऐसे प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वो दूसरे AI को नियंत्रित कर सके। यानी क्लॉड कुछ नियमों का पालन करता है और अगर उससे उनका उल्लंघन करने को कहा जाए तो वो ऐसा नहीं करता है। शायद ये उस नैतिकता की तरफ एक वो कदम है जो जेनरेटिव AI टूल्स के उपयोग में होना चाहिए। इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारे काफी कामों को आसान कर दिया है और इनके प्राकृतिक और सहानुभूतिपूर्व तरीके से बात करने की क्षमता ने हमें हमारे कंप्यूटर्स का उपयोग और बेहतर तरीके से करना सिखा दिया है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या फिर क्या पता जेनरेटिव AI की मदद से हम एक नया तीन पहलुओं वाला सिक्का ही न खोज निकालें।